वाइट डिस्चार्ज यानी कि सर्वाइकल म्यूकस टाइम टू टाइम, चाहे वो ओवुलेशन टाइम हो, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, या फिर पीरियड आने के कुछ दिन पहले हो, वाइट डिस्चार्ज होता ही है औरतों को। लेकिन ओवुलेशन टाइम में वाइट डिस्चार्ज होने का क्या मतलब है? ओवुलेशन टाइम में अगर प्रॉपरली आपको सर्वाइकल म्यूकस हो रहा है तो ये आपको हेल्प करेगा जल्दी कंसीव करने में, यानी कि ये स्पर्म को हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा एक तरह से फैलोपियन ट्यूब तक जल्दी पहुंचने में। एक तरह से इंटरकोर्स के दौरान ये वजाइना को नेचुरली लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा वजाइना का पीएच लेवल जो है वो बिल्कुल सही रहता है अगर सर्वाइकल म्यूकस सही तरीके से हो रहा है तो। वजाइनल एरिया पूरी तरह से क्लीन रहता है, किसी तरह की इन्फेक्शन नहीं होती, बिकॉज डेड सेल जो होते हैं वो वाइट डिस्चार्ज के जरिए बाहर निकल जाते हैं। बात करते हैं कि कैसे पता चले कि पीरियड आने वाले हैं इसलिए डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं इसलिए डिस्चार्ज हो रहा है। कई औरतों को पीरियड आने से 4-5 दिन पहले वाइट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, लेकिन जो वाइट डिस्चार्ज पीरियड आने से पहले होता है वो थोड़ा क्रीमी होता है, थिक होता है, और जैसे ही पैंटी में वो सूखता है तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, ये बिल्कुल भी वेट नहीं होता, गीला नहीं होता। ओवुलेशन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से ये कुछ महिलाओं में इस तरह का डिस्चार्ज पीरियड आने से पहले होता है, और ये बिल्कुल भी प्रेगनेंसी का सिम्टम नहीं होता। प्रेगनेंसी से पहले होने वाला डिस्चार्ज, जो कि प्रेगनेंसी का एक अर्ली सिम्टम भी माना जाता है, ये बिल्कुल पतला सा होता है, वाइट होता है, क्रीमी होता है, और ये स्ट्रेच करेगा इस तरह से, अगर आप हाथ से इसको करेंगे तो स्ट्रेच होगा, और इसके अलावा ये पैंटी में बिल्कुल भी सूखता नहीं है, ये वेट रहता है, गीला रहता है, और समटाइम्स ये हल्का येलो कलर में भी होता है और वाइट में भी होता है। ये डिस्चार्ज होने का कारण भी प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई होना होता है, बिकॉज प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल अचानक से बढ़ जाता है, और साथ में ब्लड फ्लो भी 40% तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये सर्वाइकल म्यूकस प्रेगनेंसी के दौरान अर्ली प्रेगनेंसी में निकलना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आपकी आगे बढ़ती है वाइट डिस्चार्ज भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। हर प्रेगनेंसी सेम नहीं होती, इसी तरह से हर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी सेम नहीं होते। कई महिलाओं में ये डिस्चार्ज ज्यादा होता है, कईयों में नहीं भी होता है, तो अगर आपको ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर भी घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू।